ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 87 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित इस पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के, जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भक्त के रूप में इस धरा धाम पर अल्प समय काल के लिए प्रकट होकर भक्तों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि वास्तव में भगवान की भक्ति कितने महत्व की है, हमारे जीवन के परम लक्ष्य गंतव्य की तरह है, और साथ ही इसे करते समय जीव की भाव प्रवीण अवस्था कितनी उन्नत हो जाती है। मध्य लीला में हम सभी जहाँ श्रवण कर रहे हैं, वह चैतन्य महाप्रभु के उस समय काल का उल्लेख है जब रथ यात्रा का सुंदर अवसर उपस्थित हो आया है, और उससे पूर्व चैतन्य महाप्रभु भक्तों को संघ में कार्य करने की प्रेरणा, शिक्षा, निर्देशन दे रहे हैं। आज के सत्र में हम सभी मध्य लीला अध्याय 13 रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भाव में नृत्य इसे श्रवण करेंगे। करीब 209 श्लोक हैं, छंद हैं इस अध्याय में, और आचार्यों ने पूरे अध्याय के विषय को विभिन्न वर्ग सूचियों में विभक्त किया है, जिसमें यदि हम देखें तो प्रथम 18 अध्याय पांडु विजय उत्सव के बारे में बतलाते हैं। तदुपरांत 19 से 28 में जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होने जा रहे हैं, रथ यात्रा आरंभ होने जा रही है। 29 से लेकर 70 तक भगवान के चमत्कार के बारे में हमें रथ यात्रा कीर्तन के समय यहाँ श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा, और इस प्रकार आगे क्रम में बढ़ते हुए चैतन्य महाप्रभु का भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए रथ के सम्मुख नृत्य करने का उल्लेख है, और उसके पश्चात 120 से लेकर 167 में जहाँ राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु आवाहन करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान को। तदुपरांत अन्य आवश्यक जानकारियां जो रथ यात्रा उत्सव से संबंधित हैं, वह अंतिम 40 छंदों में उल्लेखित हैं। तो जो भाव प्रवीण विह्वल कर देने वाले नृत्य दर्शन का अवलोकन है, वह हमें प्रथम 167 छंदों में यहाँ उल्लेख है, और रथ यात्रा की अन्य आवश्यक जानकारियां हम अध्याय के अंतिम भाग में श्रवण करते हैं। तो 209 अध्याय छंदों वाले इस श्लोक अध्याय को हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं। सजीयात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्तय ये नासी जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। श्री जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अभी तो स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। मूलतः कोई भिन्नता नहीं है, तथापि जगन्नाथ यहाँ आराध्य भगवान के रूप में उपस्थित हैं और चैतन्य महाप्रभु यहाँ आराधना करने वाले साधक के रूप में। इसलिए अपने स्वयं के द्वारा प्रस्तुत इस प्रकाश से सभी को आह्लादित कर देने वाले चैतन्य महाप्रभु की सुंदर कथा का यहाँ उल्लेख किया गया है। कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण,
चैतन्य नित्यानंद जया द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद की जय हो। अद्वैत आचार्य की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय श्रोता गण सुन करी एक मन रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है, कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुने। आर दिन महाप्रभु हैया सावधान, रात्रे उठी गढ़ संगी कैला प्रातः स्नान। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातः कालीन स्नान किया। पांडु विजय देखी बारे करी लग मन, जगन्नाथ यात्रा कैला शाड़ी सिंहासन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने के लिए गए हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर आरूढ़ होने जा रहे हैं। तो यह कुछ एक अलग अलग नामकरण है भगवान के स्नान यात्रा से लेकर 15 दिन बाद आयोजित होने वाले रथ यात्रा के क्रम में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अंतरालों पर आयोजित उत्सवों के। जब भगवान मंदिर का सिंहासन छोड़कर रथ पर आरूढ़ होने के लिए आगमन कर रहे होते हैं भक्तों के सानिध्य में संग में, तब वह पांडु विजय उत्सव कहलाता है। आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण, महाप्रभुर गड़े कराए विजय दर्शन। राजा प्रताप रुद्र तथा उनके संगियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। अद्वैत निताई आदि संगे भक्त गण, सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देख कर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दयिता गण ये न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराए करी हता हाथी। बलिष्ठ दयिता जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ले जाने वाले मत्त हाथियों के समान शक्तिशाली थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए हैं। तो प्रति वर्ष हमने श्रवण किया है, दर्शन किया है कि किस प्रकार से दयिता शब्द कहते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो चुकी है, वे बलिष्ठ सेवक जो भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण दयिता कृपा पात्र उच्च सम्मानित पद पर अभिषिक्त सेवक कहे गए हैं। ये जाति व्यवस्था के अनुसार नहीं, कुल धर्म के अनुसार नहीं, अपितु भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण उन्नत कहलाते हैं। दयिता समूह के सेवक श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, स्नान यात्रा के दिन से लेकर सिंहासन से रथ तक ले जाए जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ की देखभाल कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बतलाते हैं कि क्षेत्र महात्म्य में इन दयिताओं को शबरों से आया माना गया है, अर्थात ऐसी जाति जिनका व्यवसाय शूकर पालना और बेचना है। अनेक ऐसे दयिता भी हैं जो सामाजिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण संप्रदाय के भी हो सकते हैं। इनमें से कुछ को दयितापति कहते हैं, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख करते हुए बता रहे हैं, जो स्नान यात्रा के बाद की विश्रांति अवधि में भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन मिष्ठान्न अर्पित करते हैं। क्योंकि भक्तों का भाव है, कथा की लीला इस प्रकार से है कि स्नान यात्रा के दिन भगवान अब ज्वर से पीड़ित हो गए हैं, भगवान को किसी ज्वर की इस लीला में भक्त और साधक के रूप में हम क्या ही अर्पित कर सकते हैं, पर भक्तों का भाव है कि भगवान ज्वर से पीड़ित हैं तो भगवान को विभिन्न फलों के रस से बनी औषधियां अर्पित की जाती है। और वे ये दैतापति दैता ये जो देखभाल कर रहे हैं और अर्पित कर रहे हैं इन समूह के सेवकों द्वारा ही की जाती है। तो पहले अर्चा विग्रह की स्थापना रथ यात्रा के उपरांत होने से लेकर
उसके पिछले 15 दिन के क्रम की जितनी भी घटनाएं हैं वह इन दयिता वर्ग के सेवकों के द्वारा संपादित हो रही हैं। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कथक दयिता करे स्कंद आलंबन, कथक दयिता धरे श्री पद्म चरणम। भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह को ले जाते समय कुछ दयिताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़ लिए। कटी तटे बद्ध तृण स्थूल पट्ट डोरी, तुई ती के दयिता गण उठाए ताहा धरी। जगन्नाथ जी की अर्च विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दयिताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्च विग्रह को ऊपर उठा लिया। उच्च दृढ़ तुली सब पाति स्थाने स्थाने, एक तुली है ते त्वरा आर तुलते आने। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्च विग्रह दयिताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। तो जब लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, जहां से भी जगन्नाथ जी के दर्शन का क्रम सुंदर हम आंगन में आने का देख पाते हैं प्रतिवर्ष, उससे कुछ क्षण पहले की घटना होती है। ये कहा जा रहा है, प्रभु पदा घाते तुली हाय खंड खंड, तुला सब उड़ी आए शब्द है प्रचंड। जब दयितागढ़ जगन्नाथ जी के भारी अर्च विग्रह को एक गद्दे से दूसरे तक ले जा रहे थे, तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द हुआ। विश्वंभर जगन्नाथ के चालाई ते पारे, आपन इच्छाए चले करे ते विहारे। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है, भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है। किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। महाप्रभु मणि मा करे ध्वनि, नाना वादे कोलाहल की छुई ना सुनी। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब विभिन्न वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणि मा शब्द का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। मणिमा शब्द का प्रयोग श्री प्रभुपाद कहते हैं उड़ीसा में भद्रजनों को संबोधित करने के लिए किया जाता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को अत्यंत आदर के साथ सूचित कर रहे हैं यहाँ पर। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली इस दिव्य लीला को हम सभी महाप्रभु की प्रत्यक्ष उपस्थिति में यूं श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं तभी प्रताप रुद्र करे आपने सेवन, स्वर्ण मार्जन निलैया करे पथ सम्मार्जन। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब राजा प्रताप रुद्र हाथ में सुनहरी मूठ वाली झाड़ू लिए भगवान की सेवा हेतु मार्ग की सफाई करने में व्यस्त थे। चंदन जले ते करे पथ निशे चने, तुक्ष सेवा करे वसी राजे सिंहासने। राजा ने मार्ग पर चंदन से सुगंधित जल का छिड़काव किया। यद्यपि वे राज सिंहासन के स्वामी थे, किंतु भगवान जगन्नाथ के लिए तुच्छ सेवा में लगे हुए थे। उत्तम है या राजा करे तुक्ष सेवन, अतएव जगन्नाथ कृपा रे भाजन। यद्यपि राजा अत्यंत सम्मानित व्यक्ति थे, फिर भी भगवान के लिए वे तुक्ष सेवा कर रहे थे, अतएव वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के उपयुक्त पात्र बन गए। यह प्रथा वर्तमान में भी पालन की जाती है। राजमार्ग पर सुगंधित जल का छिड़काव कर आदर करते हुए जगन्नाथ जी के आगमन का राज परिवार के प्रमुख द्वारा झाड़ू से उस स्थान को बुहारना, जिससे होते हुए रथ पर जगन्नाथ जी आसीन। कहते हैं महाप्रभु सुख पाइले से सेवा देखी ते, महाप्रभुर कृपा है लसे सेवा हई ते। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में संलग्न देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। इस सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो पाई। तो भक्तों ने अपनी विनम्र सूची रामानंद राय, सार्वभौम भट्टाचार्य, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने पहले ही भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें राजा प्रताप रुद्र पर कृपा करने का उल्लेख था। और भक्तों की कृपा से संतुष्ट भगवान ने जब राजा के इस विनीत भाव को, यू सेवा करने वाले उपक्रम को देखा कि राजा भगवान जगन्नाथ की वैसे तो कोई सेवा तुच्छ नहीं है, पर भाव की प्रधानता है यहाँ पर, तब वह अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार राजा श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का
प्राप्त करने योग्य है। सम्मान अर्जित कर सका, तो प्राप्त करने योग्य सम्मान अर्जित किया राजा प्रताप रुद्र ने। यहाँ पर आगे आने वाले अध्याय मध्य लीला के 19वें अध्याय के 151वें श्लोक को लिखित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज अंकुरित होकर दिव्य लता का रूप धारण करता है। अंत में यह लता आध्यात्मिक आकाश में भगवान के चरण कमलों तक जा पहुंचती है और यह भक्ति बीज भगवान तथा गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। तो गुरु के रूप में यहाँ पर मार्गदर्शन करने वाले चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत समीपस्थ शिष्य हैं, जिनको राजा प्रताप रुद्र ने अत्यधिक सम्मान के साथ उनकी आज्ञाओं का, उनकी इच्छाओं का, उनकी सेवाओं का ध्यान रखते हुए पालन किया है और अब गोविंद के रूप में भगवान स्वयं कर रहे हैं कृपा। तो छंद संख्या 19 से लेकर 28 तक हम जो श्रवण करने जा रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ के रथ के बारे में, उसकी गति आरंभ होने के बारे में उल्लेख है। कहते हैं, रथे न साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेमय रथ सुमेरु आकार। रथ की सजावट देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। रथ नए सिरे से सोने का बना हुआ लग रहा था और सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का वर्णन करते समय भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत को चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन का परिचय करा चुके हैं, इसलिए भक्तों को वर्तमान प्रामाणिक साक्ष्य बतलाते हुए निकट भूतकाल की घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, 1973 में भी हमने भी इंग्लैंड में विशाल रथ यात्रा का आयोजन किया था और वहां के समाचार पत्र गार्डियन के मुख पृष्ठ पर चित्र के नीचे शीर्षक छपा हुआ था, ट्रेफेलगर स्क्वायर में इस्कॉन की रथ यात्रा नेल्सन स्तंभ की समता करने वाली है। तो ये उल्लेख करने का श्रील प्रभुपाद का आशय यहाँ पर यह है कि रथ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देखकर जैसे जगन्नाथपुरी के निवासी रथ यात्रा के अवसर पर उपलब्ध इस रथ की तुलना सुमेरु पर्वत से कर रहे थे, पाश्चात्य जगत में इंग्लैंड में उपस्थित इस रथ की समता वहां के निवासी नेल्सन स्तंभ, लॉर्ड नेल्सन की अत्यंत प्रभावशाली मूर्ति की ऊंचाई के संग कर रहे हैं जो काफी दूर से दिखाई देती है। तो नेल्सन स्मारक से लंदन के निवासी रथ की समता कर रहे हैं जो जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली रथ यात्रा की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से विश्व में अनेकों स्थान पर वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा निकल रही है। चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन को भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने उस स्तर तक पहुंचाया है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई वाला सुंदर रथ सामने खड़ा है। उस रथ की भव्यता का उल्लेख करते हुए कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभे चांदो या निर्मल। इस सजावट में चमकीले शीशे तथा सैकड़ों चामर थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र तथा एक अत्यंत सुंदर झंडा था। घाघर किंकिणी बाजे घंटा रकवणी, नाना चित्र पट्ट वस्त्रे रथ विभूषित। रथ को रेशमी वस्त्रों तथा विविध चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे घड़ियाल तथा घुंघरू बज रहे थे। लीलाय चढ़ील ईश्वर रथे र ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हल धर। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा लीला के लिए एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा तथा बड़े भाई बलराम अन्य दो रथों पर आरूढ़ हुए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, तार संगे क्रीड़ा कैल निभृते वसीया। 15 दिनों तक महालक्ष्मी के साथ एकांत स्थान पर रहे भगवान और उनके साथ क्रीड़ा व्यवहार किया है। तो अनवसर का जो 15 दिन का काल था वह महालक्ष्मी जी के रहने के एकांत स्थान के सम्मान में निभृत भी कहा जाता है। कभी भगवान जगन्नाथ की कृपा से जगन्नाथपुरी स्थान, नीलांचल क्षेत्र की विविधता एवं विभिन्न प्रकार के उत्सव आयोजनों की
इस सूची को भी भक्तों के संग में प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा। वर्तमान में हम जो नाम श्रवण कर रहे हैं उन्हें हमें इस कथा से संबंधित इस लीला में प्रयुक्त आयोजन से संक्षिप्त परिचय मात्र रूप में श्रवण कर लेना है। तो अनवसर का काल जो स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक का काल है उसे कहते हैं यहाँ पर निभृत भी कहा जाता है, क्योंकि यह महालक्ष्मी के रहने के एकांत स्थान के सम्मान में प्रस्तुत किया गया। भगवान यहाँ 15 दिन रहने के बाद माता महालक्ष्मी से जाने की अनुमति मांग रहे हैं। ताहार सम्मति लैया भक्ते सुख दीते, रथे चढ़ी बाहिर हैल विहार करी ते। महालक्ष्मी की अनुमति लेकर भगवान रथ पर चढ़ने और भक्तों के आनंद हेतु अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर आए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टीका प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, आदर्श पति के रूप में भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी के साथ 15 दिनों तक एकांत में रहे। तो प्रांगण के भीतर ही जो मुख्य प्रांगण है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा का, उसके अतिरिक्त हमें नरसिंह देव का मंदिर प्राप्त होता है, माता महालक्ष्मी का निवास स्थान प्राप्त होता है। तो भगवान अब अनुमति लेकर बाहर आना चाहते हैं अपने भक्तों को सुख देने के लिए। इसके लिए आचार्य कहते हैं, जहां वे महालक्ष्मी के साथ स्वकीय रस का भोग कर रहे थे वहां अब वे परकीय रस का भोग करते हैं भक्तों के संग आकर। तो क्षमा कीजिए, श्रीमती महालक्ष्मी के साथ रहने के उपरांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, परकीय रस में भगवान को स्वकीय रस से अधिक आनंद प्राप्त होता है। भक्तों के संग के आनंद को भगवान यूं जगन्नाथ रूप में भी अनुभूत करना चाहते हैं। आध्यात्मिक जगत में परकीय रस स्वकीय एकांत में केवल ऐश्वर्य युक्त स्वरूप में भोग करने से अधिक श्रेष्ठ माना गया। वास्तविकता में तो दोनों की कोई तुलना नहीं है। जैसे लोहे और सोने का अंतर है, वैसे लोहे को स्वकीय रस का आनंद कहा गया है और सोने को परकीय रस का आनंद कहा गया है। और अगर भौतिक दृष्टि में केवल सोने और लोहे का अंतर है तो जिस प्रकार लोहे के आभूषण हमें आकर्षित नहीं करेंगे, वैसे भौतिक जगत का परकीय रस है और सोने के आभूषण सभी को आकर्षित करते हैं, वैसे आध्यात्मिक जगत का परकीय रस कहा गया है। तो परकीय और स्वकीय, यहाँ पर परकीय शब्द हमारे लिए प्रमुखता का है क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसे छंद में प्रयोग किया। इसका सरल अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्तों के संग बिताए गए समय को अन्य किसी भी संघ से श्रेष्ठ मानते हैं। सूक्ष्म श्वेत बालू पथे पुली नेर सम, दुई टिके टोटा सा भये न वृंदावन। सारे मार्ग में बिछी महीन श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों जैसे लग रहे थे। तो यहाँ आप समता हो रही है, जैसे भगवान वृंदावन में आ गए हों ऐसे वो अपने भक्तों के संग मिलने के लिए श्वेत बालू यमुना तट के समान लग रही है और छोटे छोटे बगीचे पुरी के वो वृंदावन के बगीचों जैसे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बहुत महत्व की एक पंक्ति है जो हमें यहाँ पर स्मरण रखनी चाहिए। जब भी महालक्ष्मी के संग के इस स्वकीय रस की बात की जा रही है और भक्तों के संग के परकीय रस की बात की जा रही है तो हमें भौतिक दृष्टि से लघुता और प्रभुता का अंतर नहीं करना है, क्योंकि चाहे माता महालक्ष्मी हो, चाहे महादेव हो, चाहे सूर्य देव हो, चाहे गणपति हो, ये सभी भगवान के अत्यंत परम प्रिय भक्तों में आते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। तथापि जब भगवान प्रत्यक्ष रूप से अपने भक्तों के संग व्यवहार कर रहे हैं तब वह उनकी भक्त वत्सलता को और अधिक
सामान्य प्राणियों को संबद्ध करने वाला, आनंद देने वाला विषय है, इसलिए आचार्य उसकी महिमा को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। दोनों ओर से यहाँ लिखा है, रथे चढ़ी जगन्नाथ करी लगमन, दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मन। जब भगवान जगन्नाथ रथ पर चढ़ गए और उन्होंने दोनों ओर के सौंदर्य को निहारा तो उनका मन आनंद से भर गया। गौड़ सब रथ टाने करी आनंद, छड़े शीघ्र चले रथ छड़े चले मंद। रथ को खींचने वाले गौड़ कहलाते थे और वे रथ को अतीव आनंद से खींच रहे थे, किंतु यह रथ कभी तो बहुत तेज चलता था और कभी अत्यंत मंद हो जाता था। छड़े स्थिर हैया रहे टानी ले हा ना चले, ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो भले। कभी रथ स्थिर हो जाता और टस से मस ना होता, भले ही इसे कितने ही जोर से क्यों न खींचा जाता। अतः यह रथ भगवान की इच्छा से चल रहा था, किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति से नहीं। तो रथ की गति के लिए ये विश्व प्रसिद्ध बात है कि रथ जब रुक जाए तो कोई उसे चला नहीं सकता जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के अवसर पर, और जब भगवान अपनी इच्छा से उसे चलने की अनुमति देते हैं तब कोलाहल के साथ, भक्तों के तुमुल नाद के साथ रथ बढ़ता चला जाता है। तो जब जब रथ रुकता है क्या होता है, तबे महाप्रभु सब लैया भक्त कर्ण, स्वहस्ते पर आयल सबे माल्य चंदन। जब रथ स्थिर हो गया तो महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को एकत्र किया और उन्हें अपने हाथों से फूलों की माला तथा चंदन से सजाया। परमानंद पुरी आर भारती ब्रह्मानंद, श्री हस्ते चंदन पाइया बाड़ी ल आनंद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती को मालाएं तथा चंदन प्रदान किया, इससे उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। अद्वैत आचार्य आर प्रभु नित्यानंद, श्री हस्त स्पर्शे दुहार हई ल आनंद। इसी तरह जब अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ छंद संख्या 29 से लेकर 70 तक अब चैतन्य महाप्रभु द्वारा रथ के समक्ष नृत्य करने के क्रम में अथवा इन सेवाओं को करने के उपक्रम में जो सभी स्थानों पर एक समय प्रकट होने की दिव्य लीला की जा रही है उसका उल्लेख है। कीर्तनिया गड़े दिल माल्य चंदन, स्वरूप श्रीवास यहाँ मुख्य दुई जन। महाप्रभु ने संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं तथा चंदन दिया। दो मुख्य कीर्तनिये थे, स्वरूप दामोदर तथा श्रीवास ठाकुर। चारी संप्रदाय हैला चब्बीस गायन, दुई दुई मार्दन हैला अष्टजन। कीर्तन करने वालों की कुल चार टोलियां थी जिनमें कुल 24 कीर्तनिये थे। प्रत्येक टोली में दो दो मृदंग वादक थे जिससे 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए। तभी महाप्रभु मने विचार करिया, चारी संप्रदाय दिल गायन बाटिया। जब चार टोलियां बन गई तो थोड़ा सा विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनियों को बांट दिया। नित्यानंद अद्वैत हरि दास वक्रेश्वरे, चारी जने आज्ञा दिले नृत्य करी बारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को आज्ञा दी है कि वे चारों टोलियों में से प्रत्येक में जाकर नृत्य करें। प्रथम संप्रदाय कैल स्वरूप प्रधान, आर पंच जन दिल तार पाली गान। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का अगुवा चुना गया और उन्हें 5 सहायक दिए गए जो उनके कीर्तन को दोहराए। दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आर श्री गोविंदानंद। जो 5 जन स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित तथा श्री गोविंदानंद। अद्वैतीर नृत्य करी बारे आज्ञा दील, श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कैल। अद्वैत आचार्य प्रभु को पहली टोली में नृत्य करने के लिए आदेश मिला तब महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसके प्रधान व्यक्ति हुए श्रीवास ठाकुर। तो प्रथम टोली में हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं श्रील प्रभुपाद स्पष्टता के लिए, दामोदर स्वरूप मुख्य गायक हैं। दोहराने वालों में दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और गोविंदानंद है। अद्वैत आचार्य नर्तक हैं और उसके उपरांत श्रीवास ठाकुर प्रमुख गायक बनाए गए हैं अगली टोली का, जिसमें उल्लेख है गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद श्री राम पंडित ताहा नाचे नृत्यानंद। श्रीवास ठाकुर के गाने को दोहराने वाले 5 गायक कौन है, गंगादास हरिदास श्रीमान शुभानंद तथा
श्री राम पंडित। और इस टोली में जहाँ श्रीवास ठाकुर गा रहे हैं वहां नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किया गया है। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाय मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। एक अन्य टोली बना ली गई जिसमें वासुदेव गोपीनाथ तथा मुरारी थे, ये सब दोहराने वाले गायक थे और मुकुंद वहां पर प्रधान गायक बताए गए हैं। तो इस प्रकार चारों टोलियों का उल्लेख करते हुए क्रम में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई जने हरिदास ठाकुर ता करे न नर्तने। श्रीकांत तथा वल्लभ सेन नामक दो अन्य व्यक्ति दोहराने वाले कवयों के साथ हो गए और इस टोली के जो नर्तक थे वह ज्येष्ठ हरिदास, हमारे हरिदास ठाकुर थे। तो तीसरी टोली में एक में स्वरूप दामोदर हो गए हैं, एक में हमारे श्रीवास ठाकुर हो गए हैं, इस तीसरी टोली में मुकुंद हो गए हैं। तो प्रथम टोली में जहाँ स्वरूप दामोदर गा रहे हैं वहां द्वैत आचार्य बताए जा रहे हैं, जहाँ श्रीवास ठाकुर गा रहे हैं वहां पर नित्यानंद प्रभु बताए जा रहे हैं, जहाँ मुकुंद प्रधान गायक के रूप में है वहां हरिदास ठाकुर उपस्थित हैं प्रमुख नर्तक के रूप में। एवं छंद संख्या 42 में कहते हैं, गोविंद घोष प्रधान कैल आर संप्रदाय हरिदास विष्णुदास राघव यहाँ गाय। महाप्रभु ने एक अन्य टोली बनाई जिसकी अगुवा गोविंद घोष नियुक्त किए गए हैं और इस टोली में छोटा हरिदास विष्णुदास तथा राघव दोहराने वाले गवैये के रूप में। माधव वासुदेव घोष दुई सहोदर नृत्य करें ताहा पंडित वक्रेश्वर। तो माधव घोष और वासुदेव घोष नामक दोनों भाई इस टोली में दोहराने वालों में सम्मिलित हुए हैं और जहाँ वक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक के रूप में। तो इस प्रकार कुलीन ग्रामेर एक कीर्तनिया समाज ताहा नृत्य करें रामानंद सत्यराज। कुलीन ग्राम नामक गांव की एक कीर्तनियों की टोली थी, इसमें रामानंद तथा सत्यराज नर्तक के रूप में नियुक्त किए गए। शांतिपुरे आचार्य एक संप्रदाय अच्युतानंद नाचे तथा आर सब गाय। शांतिपुर की भी एक टोली थी जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाया था और अच्युतानंद इसके नर्तक हुए और शेष अन्य गवैये थे। खंडेर संप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन नर हरि नाचे ताहा श्री रघुनंदन। खंड के लोगों ने एक अन्य टोली बनाई थी, ये लोग एक भिन्न स्थान पर गा रहे थे और इस दल में नरहरि प्रभु तथा रघुनंदन नृत्य कर रहे थे। जगन्नाथ आगे चारी संप्रदाय गाय दुई पाछे एक संप्रदाय। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विभाजित की गई ये चार टोलियों में जो भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन कर रही थी और नृत्य कर रही थी उनमें से दो टोली आगे की तरफ थी और उल्लेख किया जा रहा है उनके दोनों ओर दो अन्य टोलियां थी और पीछे भी एक टोली बतलाई गई है। सात संप्रदाय बाजे चौद्य मादल यार ध्वनि सुनी वैष्णव हेल पागल। कुल मिलाकर सात संकीर्तन टोलियां थी और प्रत्येक टोली में दो व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस प्रकार एक साथ 14 ढोल बज रहे थे और ये ध्वनि इतनी कोलाहलपूर्ण थी कि सारे भक्त बिल्कुल विह्वल कर देने वाली उन्मत्त अवस्था में प्रस्तुत हो चुके थे। तो कुलीन ग्राम की, खंड स्थान की, शांतिपुर की ये तीन टोलियां और चार टोलियां जो चैतन्य महाप्रभु ने अभी बनाई, जो आगे की टोलियां हैं उनके अगल बगल भी दो टोलियां हैं और पीछे की ओर भी टोलियां हैं। प्रत्येक टोली में, ग्रुप में, समूह में कहा जा रहा है, टोली का अर्थ समूह है यहाँ पर, समूह में दो दो मृदंग बजाने वाले भक्त उपस्थित हैं और इस प्रकार 14 मृदंगों की, कहते हैं 14 ढोल एक साथ बज रहे हैं। वैष्णवीर मेघ घटाए हई ल बादल कीर्तन आनंदे सब कीर्तन आनंदे सब वर्षे नेत्र जल। सारे वैष्णव बादलों के समूह की तरह एक साथ आए। जब भक्तों ने अत्यंत भावपूर्वक नाम कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से वर्षा हो रही थी। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर ध्वनि अन्य वाद्य देर ध्वनि किचुई न सुनी। जब संकीर्तन की प्रतिध्वनि हुई तो उससे तीनों लोक भर गए। तब किसी को संकीर्तन के अतिरिक्त किसी बाजे की ध्वनि या अन्य ध्वनि सुनाई नहीं देती थी।
सात ठाई बोले प्रभु हरि हरि बली, जय जगन्नाथ बलिन हस्त युग तुली। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि हरि उच्चारण करते हुए सातों दलों में विचरण कर रहे थे। वे अपने दोनों हाथ उठाकर जोर से बोले जय जगन्नाथ। आर एक शक्ति प्रभु करी ल प्रकाश, एक काले सात ठाई करी ल विलास। अब यहाँ उल्लेख आता है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक ही साथ सभी सातों टोलियों में लीलाएं संपन्न करके अपनी अन्य योग शक्ति का परिचय दिया है। सभी कहे प्रभु आचिन मोर संप्रदाय, अन्य ठाई नाही यान आमारे दयाय। हर एक ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित हैं, वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते, वे हम सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु मेरी टोली में उपस्थित हैं। केह लगते नारे प्रभु रचिंत शक्ति, अंतरंग भक्त जाने यार शुद्ध भक्ति। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति को नहीं देख सका, केवल सर्वाधिक अंतरंग भक्त ही जो शुद्ध अनन्य भक्ति में स्थित थे वे समझ सके इसे। कीर्तन देखी या जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करी या स्थगित। भगवान जगन्नाथ संकीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कीर्तन देखने के लिए ही अपने रथ को खड़ा कर दिया है। प्रताप रुद्रे रहल परम विस्मय, देखी ते विवश राजा हैल प्रेममय। राजा प्रताप रुद्र भी संकीर्तन देखकर विस्मित हो गए, वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में रूपांतरित हो गए। काशी मिश्र कहे राजा प्रभु रमहिमा, काशी मिश्र कहे तोमार भाग्य नाही सीमा। जब राजा ने काशी मिश्र से महाप्रभु की महिमा के विषय में बतलाया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा आपके भाग्य की सीमा नहीं है। सार्वभौम संगे राजा करे ठारा ठारी, आर नेह नाही जाने चैतन्य रचूरी। राजा तथा सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों ही महाप्रभु की लीला से अवगत थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को अन्य कोई नहीं देख सकता था। यारे तारे कृपा से ही जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मा देख जानी बारे नारे। कि उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी हो। महाप्रभु की कृपा के बिना ब्रह्मादिक देवता गण तक नहीं समझ सकते कि वहां क्या हो रहा था। इसलिए जब लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि केवल अंतरंग भक्त समझ पा रहे थे, प्रताप रुद्र सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के सेवक काशी मिश्र के भाग्य की सराहना देवताओं से बढ़कर भी की जा सकती है जो ये लीला देख पा रहे थे, और भक्तगण केवल इतना ही कह पाए अंतरंग भक्तगण कि यह वास्तव में अद्भुत कृपा है भगवान की। राजा र तुक्ष सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन से ही तप प्रसादे पहला रहस्य दर्शन। चैतन्य महाप्रभु राजा को मार्ग की सफाई जैसा तुच्छ कार्य करते देखकर अत्यंत प्रसन्न थे और राजा की इस दीनता के कारण उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। तो चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को कृष्णदास कविराज के स्वामी कहते हैं इसलिए वे देख पा रहे थे। जो सार्वभौम भट्टाचार्य देख पा रहे हैं, जो निजी सेवक काशी मिश्र देख पा रहे हैं, जो भगवान के निजी सहायक सचिव स्वरूप दामोदर जानते हैं, वो यहाँ पर प्रताप रुद्र देख पा रहे थे। सभी टोलियों में उपस्थित भगवान के एक साथ नृत्य करने की इस दिव्य महिमा का उल्लेख जिससे रथ रुक गया, रहस्यमय ढंग के इस नृत्य से उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न कर दिया। देखने वाले और नाचने वाले व्यक्ति एक ही परम पुरुष है यहाँ पर एक ही समय पर एक अनेकों स्थानों पर उपस्थित होकर अपनी लीला की विविधता दिखला रहे हैं और उनके इस रहस्यमय प्रदर्शन को राजा समझ सके कि कैसे दोनों एक दूसरे की लीला का आनंद ले रहे हैं। तो दो दो रहस्य यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में राजा समझ पाए, एक कि भगवान एक से अधिक दल में एक ही समय पर उपस्थित है, सभी दल में वास्तव में सबको लग रहा है कि भगवान मेरे दल में उपस्थित है, और दूसरा जो रथ पर आरूढ़ है और जो रथ के समक्ष नृत्य कर रहे हैं दोनों समान है। लिखते हैं श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन दो रहस्यमय प्रदर्शन को प्रताप रुद्र यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है। साक्षात एना देय देखा परोक्ष केबू जीते पारे चैतन्य चंद्र माया। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यद्यपि राजा को मिलने से मना कर दिया गया था किंतु अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अहेतुकी की कृपा प्रदान की गई थी, भला श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतरंगा शक्ति को कौन समझ सकता है। इसलिए भक्त भगवान के चरणों में एक निष्ठ श्रद्धा विश्वास प्रतिबद्धता शरणागति रखता है,
क्योंकि बाह्य जगत को देखने में कई कई बार ऐसा लग सकता है कि भगवान अपने भक्तों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। भक्त है भगवान का, फिर इसके साथ इसके संग जीवन में ऐसी अनिश्चित सी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? और भक्त का परम विश्वास विश्वास होता है जो कुछ भी घटित हो रहा है वह भगवत कृपा का प्रारूप है, और इसलिए भक्त कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। देखते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कि प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य महाप्रभु ने राजा से मिलने से इनकार किया है, पर महाप्रभु की अहेतु की कृपा से राजा को अप्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु के रहस्यमय कार्यों का यहाँ परिचय प्राप्त हो रहा है। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के ऐसे रहस्यमय कार्यों का दर्शन कर सकते हैं, उनको प्राप्त करके इस प्रकार से प्रशंसा कर सकते हैं। जब भगवान चतुर्श्लोकीय गीता में कहते हैं कि जो सतत नित्य युक्त होकर मेरी भक्ति में संलग्न है, उनके हृदय में उपस्थित होकर मैं सभी प्रकार के रहस्यों को, अपने सभी प्रकार के कार्यों को उद्घाटित करता हूँ, यह वैसा ही एक उदाहरण है। छंद संख्या 62 में सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय राजा रे प्रसाद देखी हई ला विस्मय। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा काशी मिश्र महोदयों ने राजा के ऊपर महाप्रभु की अहेतुकी की कृपा देखी तो वे चकित रह गए। ए मत लीला प्रभु कै लखत छण, आपने गाये न नाचा न निज भक्त गण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अपनी लीलाएं इसी प्रकार से की, वे स्वयं गा रहे थे और उन्होंने अपने संगियों को नाचने के लिए प्रेरित किया। कभू एक मूर्ति कभू हन बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाशय शक्ति। महाप्रभु अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी एक रूप प्रदर्शित करते तो कभी अनेक, ऐसा उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न हो रहा था। भगवान स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं अपनी इच्छाओं को क्रियान्वित करने के लिए, उन्हें किसी अन्य के आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो अंतरंगा शक्ति उनकी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही है यहाँ पर, और जैसा भगवान का हृदय उन्हें भाव दे रहा है वैसे वो कभी एक रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, कभी अनेकानेक रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। लीला वेशे प्रभु नाही निज अनुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। महाप्रभु अपनी दिव्य लीलाओं के दौरान अपने आप को भूल गए, किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति लीला शक्ति ने उनके मनोभाव को जानते हुए सारी व्यवस्था कर दी है। तो हमें भ्रमित नहीं होना है, दुविधा की कोई बात नहीं है। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद भगवान की अनेक शक्तियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं श्वेतश्वतर उपनिषद 6:8 से कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो इतनी सुंदरता से कार्य करती हैं कि सारी चेतना बल और कार्य भगवान की इच्छा से संपादित होते हुए से लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वो स्वतः संपन्न हो रहे हैं। अंतरंगा शक्तियों के कार्यकलाप भौतिक जगत में भी प्रकट होते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो बहिरंगा शक्ति का स्थान है, वापस वास्तव में शक्तियां स्थानांतरण भी कर सकती हैं। जीव के रूप में यदि हम भगवान के द्वारा निर्देशित कार्यों को करते हैं, उनकी भक्ति में संलग्न रहते हैं, तो हम बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसी भौतिक जगत में रहते हुए अंतरंगा शक्ति की कृपा का अनुभव भी करते हैं। भक्तों के जीवन में ऐसी दिव्य घटनाएं होती है जो भौतिक जगत की अध्यक्षता के, बहिरंगा शक्ति की अध्यक्षता के परे की बात है। इसलिए आचार्य कहते हैं भौतिक प्रकृति के शास्त्र एवं प्राय समस्त कार्य भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा संपन्न हो रहे हैं, किंतु ऊपरी स्तर पर ऊपरी नियम को देखकर कैसे ये घटनाएं घटित हो रही है हम नहीं जान सकते। तथापि भगवत गीता में अध्याय 9 श्लोक संख्या 10 में सभी को प्रकाशित करते हुए भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जो मेरी शक्तियों में से एक है मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसके शासन में इस जगत की बारंबार सृष्टि और संहार होता रहता है। पूर्वे यछे रासादि लीला कैल वृंदावने अलौकिक लीला गौर कैल क्षण क्षण। जिस तरह पूर्व काल में श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला तथा अन्य लीलाएं की थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिक्षण अलौकिक लीलाएं कर रहे थे। भक्तगण अनुभवे नाहीं आरे आन श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण।
केवल शुद्ध भक्तगण ही महाप्रभु को रथ यात्रा के रथ के समक्ष नृत्य करने की अनुभूति कर सकते थे, अन्य लोग इसे नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। लोक श्रुतियों की सामान्य स्थानीय भाषा में गायन करते हुए जब महान संत कहते हैं, छठिया भरी छाछ पे नाच नचावे, गोपियों की भक्ति का ऐसा आकर्षण था, ऐसा अद्भुत भगवान को बांध सके वो प्रेम बंधन था कि छछिया भरी छाछ पर अत्यंत अल्प मात्रा की छाछ दे दो, ऐसा जब कृष्ण कहते तो वरिष्ठ गोपियां, माताओं की उम्र की गोपियां कहती हैं, पहले हमें नृत्य करके दिखाओ काना, तब हम देखें। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये नृत्य जो चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं रथ यात्रा के समक्ष, इसकी अनुभूति केवल शुद्ध भक्तगण कर सकते हैं। जैसे वृंदावन की लीला में कृष्ण अपने भक्तों के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, नृत्य करके दिखा रहे हैं। एई मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषा इल सब लोक प्रेमे रत रंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्न होकर नृत्य किया और प्रेम की तरंगों से सारे लोगों को आप्लावित कर दिया। एई मत हैला कृष्ण रथे आरोहण, तार आगे प्रभु नचाइला भक्त गण। इस तरह भगवान अपने जगन्नाथ रथ पर आरूढ़ हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को रथ के समक्ष नाचने के लिए प्रोत्साहित किया है। आगे सुन जगन्नाथ कुंडी चगमन, तार आगे प्रभु यह चकरी लनर्तन। आप कृपा करके यह वृत्तांत सुनिए। जिस समय भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जा रहे थे और महाप्रभु रथ के समक्ष नृत्य कर रहे थे, तो उल्लेख है इस नृत्य के विशद वर्णन का। कहते हैं छंद संख्या 71 में, एई मत कीर्तन प्रभु करी लकत क्षण, आपन उद्योगे नचाइल भक्त गण। महाप्रभु ने कुछ समय तक कीर्तन किया और अपने प्रयास से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। आपनी नाची ते अबे प्रभुर मन है ल, सात संप्रदाय तबे एकत्र करी ल। जब महाप्रभु का मन नाचने को हुआ तो सातों टोलियां आकर मिल गई। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद माधव गोविंद। श्रीवास रामाई रघु गोविंद मुकुंद, हरिदास गोविंदानंद माधव तथा गोविंद इत्यादि महाप्रभु के सभी भक्त इकट्ठे हो गए हैं। उद्दंड नृत्य प्रभु यबे हेल मन, स्वरूपेर संगे दिल ए नव जन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का ऊंचे कूदते हुए नृत्य करने का मन हुआ है तो उन्होंने इन 9 लोगों को स्वरूप दामोदर के अधीन कर दिया। ए दश जन प्रभु संगे गाय था य, आर सब संप्रदाय चारी दिखे गाय। ये भक्त जो स्वरूप दामोदर तथा उनके अधीनस्थ भक्त थे, महाप्रभु के साथ साथ गाते और उन्हीं के साथ दौड़ते भी थे। अन्य समूह के भक्त भी गाते थे। दंडवत करी प्रभु योनि दुई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया है और इस प्रकार प्रार्थना की है। नमो ब्राह्मण गौ, नमो ब्राह्मण देवाय, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यह प्रतिदिन की प्रार्थना सूची में आने वाला श्लोक है, जहाँ अनुवाद प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं, मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जो समस्त ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, जो गायों तथा ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं तथा जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुंचाते हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण की परिभाषा दी है श्रीमद् भागवतम में, जहाँ भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि जो भगवान के कार्यों में सर्वदा संलग्न है, पठन पाठन का कार्य भगवान के मुख से निसृत वेदों को पढ़ने अध्ययन करने आत्मावलोकन कर रहे और सामाजिक स्तर के विभिन्न आश्रयों को इस ज्ञान से परिचित कराने के लिए, समाज को दिशा निर्देश जो भगवान के मुखारविंद से निकले हैं उसे प्रेषित करने में संलग्न है, वह ब्राह्मण है।
और इस अर्थ में यहाँ पर भगवान को गौ ब्राह्मण हिताय च कहा जा रहा है, रक्षा करने वाले हैं भगवान, जो कृष्ण और गोविंद के नाम से भी विख्यात है। श्लोक विष्णु पुराण का यह श्लोक है, उल्लेख करते हैं आगे। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामलह कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदो। कहते हैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो देव की पुत्र कहलाते हैं, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विजय हो जो वृष्णि वंश के दीपक हैं, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जिनके शरीर की कांति नए बादलों की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल के समान कोमल है, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो जो संसार का असुरों के भार से उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति दे सकते हैं। मुकुंद माला 3 से लिया गया श्लोक है। जयति जन निवासो देव की जन्म वादो, यदुवर परिषत स्वेदोर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिर जन वृजिन्न सुस्मित श्री मुखेन, व्रजपुर वनीता नाम वर्धयन कामदेवम्। कहते हैं यहाँ पर अनुवाद के क्रम में, भगवान श्री कृष्ण जन निवास हैं अर्थात समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और वे देव की नंदन तथा यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे यदुवंश के मार्गदर्शक हैं और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अशुभ वस्तुओं का तथा अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे उन समस्त वस्तुओं का विनाश करते हैं जो चर तथा अचर जीवों के लिए अशुभ वस्तुओं का विनाश करते हैं। उनका हसमुख आनंददायक मुख वृंदावन की गोपियों की कामेक्षाओं को बढ़ाने वाला है, वे विजयी और सुखी हो जाएं। उल्लेख है आगे, कह रहे हैं यहाँ पर छंद संख्या 80 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रामाणिक स्रोत से उद्धृत श्लोक का वर्णन करते हुए, नाहं विप्रो न च नरपति नापी वैश्यो न शूद्रो, नाहं पर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वाह, किन्तु प्रोद्य निखिल ब्रह्मानंद पूर्णामृताब्धेर, किन्तु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदासः। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न ही शूद्र हूँ भगवान, न ही मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के भर्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। दास दास अनुदास कहा गया है। वे अमृत के सागर के तुल्य हैं और विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप हैं। वे सदैव तेजोमय रहते हैं। रूप गोस्वामी कृत काव्य संग्रह पद्यावली का यह श्लोक सुंदर यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णित कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ खड़े होकर ऊर्ध्व मुख से मुख ऊपर कर कर रथ पर आसीन जगन्नाथ महाप्रभु को जगन्नाथ को महाप्रभु यह श्लोक विनय पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्तों के रूप में हम यह दोनों को संयुक्त रूप से कर सकते हैं। कहते हैं, एत पड़ी पुनः अपि करिल प्रणाम योण हाते भक्तगण वंदे भगवान। शास्त्र के इन श्लोकों को सुनाने के बाद महाप्रभु ने पुनः नमस्कार किया और सारे भक्तों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की वंदना की है। छंद संख्या 82 से इस वंदना के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो उत्तन नृत्य किया जा रहा है, अब कहते हैं
उत्तन नृत्य प्रभु करी अहंकार, चक्र भ्रमी भ्रमे यछे आलाता आकार। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों जैसी गर्जना करते हुए और चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए ऊंचा उछल उछल कर कान नाच रहे थे, तब वे घूमते अग्नि पुंज की तरह लग रहे थे। तो करीब अगले 20-25 श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के इस गर्जना करते हुए चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए रथ के चारों अग्नि पुंज की तरह दिखने वाले नृत्य का उल्लेख किया गया है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, यदि जलती लकड़ी को तेजी से घुमाया जाए तो वह अग्नि चक्र के समान लगती है। आग का गोला या अलात आकार, अलात चक्र कहा जाता है इसे। और ये पूरा गोला नहीं होता, एक ही लकड़ी जलती हुई जब इतनी तीव्रता से घुमाई जाए तो लगे कि अग्नि का गोला बन गया है। चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति है, पर जब वह गोलाकार घूमते हुए ऊर्ध्व, यहाँ लिखा है ऊंची कूद कर रहे हैं, तो वह नाच ऐसा लग रहा है जैसे अलात चक्र हो। छंद संख्या 83 में आज के सत्र के लिए अंतिम तीन छंद रखेंगे हम सभी। नृत्य प्रभुर यहाँ यहाँ पड़े पद तल, ससागर शैल मही करे टलमल। नाचते समय महाप्रभु जहाँ कहीं भी चरण रखते थे, पूरी धरती पर्वतों तथा समुद्रों समेत हिलती डुलती प्रतीत हो रही थी। स्तंभ श्वेत पुलक अश्रु कंप वैवर्ण्य, नाना भावे विवशता गर्व हर्ष दैन्य। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे। कभी ऐसा लगता मानो वे जड़ हो गए हो, कभी उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, कभी उन्हें पसीना आ रहा था, कभी वे रोते, कभी कांपते, कभी उनके शरीर का रंग बदल जाता, कभी उनके शरीर में विवशता गर्व हर्ष और दैन्य के लक्षण प्रकट हो आते। आछाड़ खाई या पड़े भूमि गड़ी आय, सुवर्ण पर्वत या छे भूमे ते लोटाय। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते तो वे भूमि पर लौटने लगते। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सुवर्ण पर्वत भूमि पर लौट रहा हो। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया, प्रभु रे धरि ते चाहे आश पाश धाइया। यह देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैला फैला कर इधर उधर दौड़ रहे महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, और महाप्रभु प्रभु पाछे बोले आचार करी अहंकार, हरि बोल भले बारे बार। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर जोर से हरि बोल का उच्चारण करते। तो यहाँ से उस उन्मत्त नृत्य का उल्लेख है। वर्तमान में भी भारत भूमि और पाश्चात्य जगत के अनेकानेक ऐसे भक्त हैं, सोशल मीडिया पर हमें उनके वीडियो उपलब्ध हो सकते हैं, जिनके द्वारा इतनी ऊंचाई तक हवा में कूदकर जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य किया जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि चैतन्य महाप्रभु की प्रत्यक्ष अनुकंपा है उनके ऊपर। और जब हम उन नृत्यों को देखते हैं तब यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो उल्लिखित कर रहे हैं वह हमें किंचित भी चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी इच्छा से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उनकी लीला इस सामान्य भौतिक इंद्रिय प्रवृत्ति से समझ आने के परे है। वर्णों शब्दों में जो वर्णित किया जा रहा है वह केवल एक अनुभव के लिए हम मानसिक नेत्रों से अवलोकन कर सकें, यह सर्वश्रेष्ठ प्रयास कृष्ण दास कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णित कर रहे हैं। छंद संख्या 88 से अगले सत्र में हम इस सुंदर नृत्य का दर्शन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की असहमति या टिप्पणी के लिए, अपने भाव प्रेषित करने के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार लिखकर भेज सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।